टाटा 4823 गाड़ी का रिव्यू आपको इस वीडियो में फुल व्यू विद प्राइस विद माइलेज, कैसी ये गाड़ी है, कैसी इसकी ग्रेविटी, तो सब हम आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ठीक सामने खड़ी है टाटा 4823 16 व्हीलर ट्रक टाटा की ओर से, जो कि डबल टायर सिंगल लिफ्ट एक्सल के साथ ये गाड़ी आती है। इसका फुल रिव्यू हम आपको इस वीडियो में आज करवाएंगे। सबसे पहले बात की जाए तो इसकी वेट की, ग्रॉस वेट 47 टन 500 केजी ये गाड़ी फुल लोड वेट पास करती है। और जैसे ये आप देख रहे हो काउल चेसिस हमारे सामने खड़ी है, इसका जो वेट रहता है वो 9500 केजी वेट रहता है। और अगर ये आप सिग्ना कैबिन में गाड़ी लेते हो तो 10500 केजी आपका वेट सिग्ना कैबिन में मॉडल में आपको रहता है। एवरेज जो गाड़ी की निकल के आती है वो 3.5 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज गाड़ी के साथ में निकल कर आती है। इंजन की बात की जाए तो इसमें 229 हॉर्स पावर इंजन गाड़ी में रहता है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंटीकूलर और रेडिएटर की असेंबली बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है, ऊपर ब्लोअर की असेंबली साथ में की हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा चेसिस आपको डैशबोर्ड फ्रेम है उसको हम डबलिंग कर हैवी करेंगे ऊपर से भी और अंदर से भी। और जो लाइट आती हैं वो देख सकते हो आप, यहाँ पे दो हेडलाइट साथ में आती हैं, ऊपर वाली हेडलाइट्स हम आपको यहाँ पे लगा कर देंगे एलईडी वाली लेटेस्ट स्टैंड में। और वाइट शो गाड़ी की आ रही है, कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिरर साथ में आते हैं, वाइपर मशीन लगी हुई होती है, नीचे वाइपर मशीन की सेटिंग की होती है। क्लच की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लच 380 डायमीटर का आपको क्लच यहाँ पर साथ में मिलता है, ऑर्गेनिक क्लच बूस्टर के साथ TVS कंपनी का आपको साथ में आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप GPS सिस्टम भी यहाँ पे साथ में लगा हुआ है, इसको भी आप कंपनी में जाकर ऑन कर सकते हो। ABS एसेसरी देख सकते हो और ब्रेक में आप देख सकते हो ABS ब्रेक भी आपको साथ में मिलेगा और प्रेशर ब्रेक भी आपको साथ में मिलेंगे। हैंड ब्रेक भी आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और गाड़ी के स्पीड एक्सीलेटर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टिक एक्सीलेटर दिया हुआ है यहाँ पे। सीट्स 6-way सीट्स एडजस्टेबल सीट्स है इसकी गाड़ी की। आप सीट बेल्ट भी यहाँ देख सकते हो, सीट बेल्ट भी आपको साथ में मिलेगी। ब्लोअर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आपको सिर्फ ब्लोअर्स मिलेगा, एसी नहीं आता। और गियर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप जी 1150 का गियर बॉक्स आपको साथ में मिलता है। जमशेदपुर की ये गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई हुई है जिसमें कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। और देख सकते हो आप एक रिवर्स गियर और 9 गियर आपको आगे की तरफ आपको जहाँ पे साथ में मिलते हैं। चौबीस बोल्ट का करंट गाड़ी में दौड़ता है, 12 बोल्ट की दो बैटरीज और अल्टरनेटर जो गाड़ी का काम करता है वो 90 एम्पियर पर प्रोड्यूस करता है करंट। और ग्रेडिबिलिटी जो गाड़ी की है वो 19% है। मान के चलिए जब गाड़ी ग्रेडिबिलिटी क्या होती है, गाड़ी आपकी प्लेन पर चल रही है तो एकदम स्लोप आती है तो आपकी ये गाड़ी 11 डिग्री ऊपर आराम से किसी दिक्कत कोई दिक्कत में आने के बिना दिक्कत के कारण ये ऊपर चढ़ सकती है, तो उसको ग्रेडिबिलिटी हम बोलते हैं। डीजल टैंक की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको साथ में डीजल टैंक मिलेगा 300 लीटर का इस साइड ड्राइवर साइड, और कंडक्टर साइड भी आपको 180 लीटर का साथ में कनेक्टर साइड में आपको डबल डीजल टैंक मिलेगा। कंपनी को चाहिए था तो ये स्पेस थोड़ी छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी कवर देती, जैसे उस साइड 300 लीटर का दिया है तो इस साइड भी 300 लीटर देती तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती। और सबसे मेन बात जो हाईलाइट है गाड़ी का वो ट्विन टायर पुशर लिफ्ट एक्सल इस गाड़ी का जो आया है वो आपको मैं दिखाता हूँ बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे देख सकते हो जो उसका बैलून है, बहुत ही हैवी बैलून यहाँ कंपनी ने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये सिस्टम मुझको लगा। और सच में तो कंपनी ने इंजीनियर बहुत ही अच्छी तरह से काम किया हुआ है, बहुत ही हैवी यहाँ पर आपको यहाँ पे सपोर्ट दी हुई है, बहुत ही यहाँ पे देख सकते हो आप, ताकि
टायर नीचे ना जाए उसके लिए आपको पट्टे भी यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रेशर टैंकी सबसे जरूरी बात यहाँ पे देखो, जो प्रेशर टैंकीज हैं वो भी सारी इसके नज़दीक हैं, ज़्यादा लंबे पाइप नहीं डाले हुए, यहीं पर प्रेशर पाइप्स या ताकि इसको और मजबूती मिले। तो प्रेशर टैंकी, तीन प्रेशर टैंकी इसके लिए अलग से यहाँ पर बनाई गई हैं, तो बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है। इसको हम आपको लिफ्ट करके दिखाते हैं टायर को। यहाँ पे देख सकते हो आप गाड़ी का टायर जो लिफ्ट हो रहे हैं, बैलून देख रहे हो आप कोलैप्स कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, कोई इतना कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हो यूनिवर्सल शाफ्ट भी यहाँ पे बेंड डाला हुआ है, वी टाइप यहाँ पे बेंड डाला हुआ है इनके एक्सल में, ताकि वो टच ना कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा, काफ़ी हैवी काम यहाँ पे नट बोल्ट सिस्टम भी काफ़ी किया हुआ है। और ये देख सकते हो पीछे भी आप प्रेशर टैंकीज जो लगी हुई हैं वो भी अंदर की हुई हैं। और जैसे चौ चक्का में यहाँ पे प्रेशर टैंकीज आती है वो हटा दी गई हैं, यहाँ से पीछे चेसिस आपको खाली मिलेगी बिल्कुल। और चेसिस जो है वो वही है सेम चौ चक्का जितनी है चेसिस की, बस थोड़ी सी इन्होंने जो डिफरेंस डाला है वो थोड़ा सा ये जो डबल लिफ्ट सिंगल लिफ्ट डबल टायर है उसका जो मगे एक्सल है एक्सल पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है ज़रूर। पहले थोड़ा सा आगे होता था, उसको थोड़ा पीछे भी किया है, काफ़ी सिस्टम चेंज किया है। और आगे जो मीटर प्लेट है उसमें भी आपको चेंज मिलेगा काफ़ी, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। पीछे देख सकते हो पीछे जो चेसिस है उसको हल्की कर दिए, यहाँ से देख सकते हो जैसे 12 चक्का 35-18 में आ रहा है, तो इसको हम प्लेट लगाएंगे यहाँ पे 10 mm की, इसको हैवी करेंगे ताकि धक्का वगैरह लगाने में आसानी रहे। ये गाड़ी जो है जो यूपी लालगंज की गाड़ी है, बम्पर देख सकते हो आप बिल्कुल सेम बम्पर वैसे ही आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप स्पेयर टायर स्पेयर व्हील साथ में आ रहा है। दूसरे टायरों की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप टायर्स आ रहे हैं जो गाड़ी के, वो 295/90 R22.5/16 टायर्स प्लस 1 स्पेयर टायर आप साथ में आ रहे हैं अपोलो के, यहाँ पे LD टायर साथ में आ रहे हैं। टाटा की यहाँ पे बैटरीज कट ऑफ स्विच भी यहाँ पे दिया हुआ है। गाड़ी के फ्रंट एक्सल की बात की जाए तो यहाँ पे फोर्ज्ड आई बीम रिवर्स इजी टाइप आपको ट्विन स्टीयर एक्सल साथ में मिलेगा फ्रंट एक्सल में। और फ्रंट सस्पेंशन की बात की है तो यहाँ पे पैराबोलिक रीप स्प्रिंग आपको यहाँ पे साथ में मिलेंगे। और रियर एक्सल की बात भी की जाए तो सिंगल रिडक्शन हाई पॉड गियर्स RA 110+RA 910 ट्विन टायर पुशर लिफ्ट एक्सल के साथ में आपको यहाँ पे मिलेंगे। और रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स विद बेल क्रैंक मैकेनिज्म के साथ यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पे साथ में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा सस्पेंशन और एक्सल यहाँ पे टाटा निकालती है, इस गाड़ी में बहुत ही अच्छे निकाले हैं, बहुत ही हैवी ये गाड़ी निकाली है, तो बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी ये होने वाली है। मोरन बालू गिट्टी के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी ये होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी में आप जो टायर्स हैं वो ट्यूब वाले भी ले सकते हो, ट्यूबलेस भी ले सकते हो, दोनों अवेलेबल रहते हैं। कंपनी में आप जाइए वहाँ पर आपको ये आपको बात मिलेगी। टर्निंग डायमीटर जो गाड़ी का है वो तकरीबन 24 मीटर का इसका टर्निंग डायमीटर रहता है, गाड़ी ये 24 मीटर में आपको घूम जाएगी बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हो आप गाड़ी में यहाँ पे सेंसर्स का काम यहाँ पे लगा हुआ है, सेंसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और SCR टेक्नोलॉजी गाड़ी में यूज़ हो रही है, यूरिया यहाँ पे AdBlue साथ में यहाँ पे पड़ता है। और जो 41-23 है उसमें ये यूरिया नहीं यूज़ होता, तो वो जो टेक्नोलॉजी IEGR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेलैंड वाले, तो बाकी सभी SCR टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप पंप भी यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो हवा वगैरह यहाँ पे निकालने के लिए आसानी रहती है, बिल्कुल साइड पर दे दिया है। तो प्लास्टिक है बिल्कुल ठीक है, एवरेज है गाड़ी का। और
चेसिस की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो जो चेसिस चौचक्के जितनी है, मोटी 7 mm है। और यहाँ पे देखते हो यहाँ यहाँ पे चेसिस को डबल करना चाहिए था, वहाँ पे जहाँ डबल भी की हुई है, जो के लगे हुए हैं गाड़ी में। और यहाँ पे देखो ट्रिपल भी की हुई है, उसके बाद सिंगल आई, फिर डबल की आगे तक, डबल चली फिर आगे तक, उसके बाद डबल चलती है, फिर सिंगल हो जाती है जहाँ पर इंजन की तरफ में। और गियर बॉक्स को देख सकते हो, स्पोर्ट देने के लिए यहाँ पे आपको एक स्पेशल ब्रैकेट भी लगाया है, नट बोल्ट सिस्टम किया हुआ है। और काफ़ी यहाँ पे आपको वायरिंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम मिलेगा, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ये गाड़ी बनाई गई है। थोड़ा गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो सामने आपको फ्रंट बार और रियर बार के आपको प्रेशर ब्रेक्स मिलेंगे, एयरबार्स मिलेंगे। यहाँ फ्यूल टैंक के लिए आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर आरपीएम मीटर और टेम्परेचर मीटर आपको साथ में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो जो स्टीयरिंग है वो छोटा कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको हेल्प के लिए आपको साइड्स के लिए इंडिकेटर ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी आपको नए डिज़ाइन में यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हो इंजन लाइट्स, गियर शिफ्ट एडवाइज़र, फ्रंट लिफ्ट एक्सल, एबीएस आपको बटन और ऑल इंडिकेटर्स, हैवी और लाइट मल्टी ड्राइव मोड भी आपको साथ मिलेगा। और यहाँ पीछे देख सकते हो आप एक्सल भी यहाँ पे साथ में मिलेगा और इंजन चेक का ऑप्शन भी यहाँ पे साथ में रहता है। ब्लोअर्स देख सकते हो आप ठीक सामने, ब्लोअर्स का ऑप्शन ऐसे रहता है जैसे पहले गाड़ियों में आ रहा है सेम। ये था जी 16 चक्का का रिव्यू। रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वर्कशॉप का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं, दोपहर का टाइम है अभी। वीडियो तो बनाने को मैं लाइव भी बना सकता था, लाइव में थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की डाउन हो जाती है, तो उस वजह से हमने ये वीडियो अपलोड की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद जी।